क्यों सो गए? देखो क्यों सो रहे हो मियां, रोड पे तो आना ही पड़ेगा। एक तो वैसे ही तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है, बर्दाश्त कर करके जुल्म और ज्यादती सहते हुए। जालिम से बड़ा गुनाहगार वो है जो जुल्म बर्दाश्त करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक ऐसी खबर सामने निकल कर आई है जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को गमजदा कर दिया है। आप लोगों के पास भी वो खबर पहुंच चुकी होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने अजमेर की तरफ से जो पैगाम सामने निकल कर आया दोस्तों, वक्फ बोर्ड को लेकर सैयद सरवर चिश्ती साहब की तरफ से जो फरमान जारी किया गया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर मुसलमानों को ललकारा है, वो क्लिप मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बुरी खबर और बड़ी खबर मैं आप लोगों को बता दूं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। धर्मांतरण के नाम पर जिस तरह से उनको फंसाने की कोशिश की गई थी और अब उनके ऊपर आरोप को सिद्ध कर दिया गया, साबित कर दिया गया और बताया जा रहा है कि उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है दोस्तों। लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर लोग अभी भी जागरूक होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब सीधे तौर पर किस तरह से यहाँ पर अजमेर शरीफ की तरफ से बयान सामने निकल कर आया है, देखिए मुझे पता है आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों, आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि आप लोग कोई भी उम्मत मुस्लिमा के लिए जो फायदा पहुंचा सके ऐसी वीडियो देख सके, है ना, आप लोगों के पास टाइम नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने ज्यादा टाइम न लेते हुए सीधे अजमेर के सैयद सरवर चिश्ती की जो क्लिप सामने निकल कर आई है जो उन्होंने कल के दिन मुसलमानों के सामने पेश की थी वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आप लोग जरा गौर से सुनिए कि वक्फ बोर्ड के लिए उन्होंने क्या बयान जारी किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। अफसोस की बात है और हैरत की बात है, अजमेर शरीफ हमारी तार तार हुई है, घर बुलडोज हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, मस्जिद शहीद की जा रही है, मदारी शहीद की जा रही है, दरगाहें शहीद की जा रही है, मस्जिद शहीद की जा रही है। ये वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 आया, जगह जगह से आवाजें उठ रही हैं कि ये जो QR कोड दिया है इसको आप पंच करें, अपना स्कैन करके डालें, इसको रिजेक्ट करें। आज की तारीख 10 सितंबर 2024 तक, आज तक भी किसी ने वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ, कुल 40 लाख लोगों ने इसको स्कैन किया है। क्यों सो गए? देखो क्यों सो रहे हो मियां, रोड पे तो आना ही पड़ेगा। बताइए 20 करोड़ लोगों में 40 लाख लोगों ने बर्दाश्त कर करके जुल्म और ज्यादती सहते हुए। जालिम से बड़ा गुनाहगार वो है जो जुल्म बर्दाश्त करता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का तो इस्तेमाल करो। जो जुल्म बर्दाश्त करता है। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं आज अपने दिल की, जो मैं कई बार कहता, बिल्कुल किसी को तो अपना लीडर तस्लीम करो भैया। मैं तो असदुद्दीन अवैसी साहब को देख रहा हूँ कि बाप बांगे दौल वो आवाज उठाते हैं, कस के आवाजें उठाते हैं, तो फिर रजा खान साहब उठाते हैं, आपके सज्जाद नौमानी साहब उठाते हैं और भी दीगर हजरात उठाते होंगे, मेरे को अभी इस वक्त उनका नाम जहन में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं माजत चाहता हूँ, आप लोग भी उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी आवाज आज पार्लियामेंट में मुसलमानों की कोई है तो असदुद्दीन अवैसी साहब की है मौलाना। लेकिन आपको उन लोगों से सच्चे कायद से मुसलमानों को हमेशा बदगुमानी रहती है, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद कह के गए थे और 1400 साल की तारीख भी है हमारी। तो कोई आदमी आवाज उठा रहा है तो उसके पीछे हो जाए, उस पर इल्जाम तराशी इतनी कर देते हो कि बीजेपी का एजेंट है, फलाएं ढिमकाना है, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को यह हक हासिल नहीं कि वो अपने कैंडिडेट्स खड़ा करे? अगर कोई कैंडिडेट्स खड़ा करता है तो आप कहते हो बीजेपी का नुमाइंदा है, वोट कटवा दिए। इनको वोट मिलते कितने हैं? जो कट जाने से कोई नॉन बीजेपी का कैंडिडेट हार जाएगा? तो ये इस तरह की बातें ना करो, बेअब तो खुदा की जात है भैया, किसी को तो लीडर तस्लीम करो जिससे चलना सीखो। हर अखबार से वो भरे भुरे हैं, साहिब हैसियत है, खूबसूरत है, खुश अकीदा है, पढ़े लिखे हैं, वेल ड्रेस्ड है, जम के बोलते हैं, पार्लियामेंटेरियन है, बैरिस्टर है। आप लोगों ने यहां तक सुना, ये बहुत बड़ी बात है आज के वक्त में, क्योंकि आजकल ना मुसलमान बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में बिजी है, आने वाले फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा, अपने आने वाले जनरेशन के बारे में नहीं सोच रहा। अब देखिए सीधे तौर पर यहां पर सैयद सरवर चिश्ती साहब ने बता दिया कि 10 सितंबर तक, यानी कल 10 सितंबर थी, कल तक सिर्फ 40 लाख लोगों के वोट पड़े हैं। अच्छा एक और मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर एक बैड न्यूज में आपको दे दूं, ऐसा नहीं है कि लोग इसको रिजेक्ट करने के लिए वोट कर रहे हैं, सिर्फ लोग इसको पास कराने के ये भी वोट कर रहे हैं। जी हां, ऐसी खबर सामने निकल के आई है कि गैर मुस्लिम लोग जगह जगह पर कैंप लगा रहे हैं और इसको पास कराने के लिए मेल भेज रहे हैं दोस्तों। उसी मेल के जरिए से लोग मेल कर रहे हैं कि नहीं ये कानून पास होना चाहिए। अब आप लोग समझिए कि किस तरह से मुसलमानों के इस वक्फ वोट की, यानी सीधे तौर पर मुसलमानों की कमर तोड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है। मैं आप लोगों को बार बार बताता हूं कि हिटलर के जमाने में यहूदियों को मारा गया था, यहूदियों को इसी तरह से वहां पर प्रताड़ित किया गया था जैसे इंडिया के अंदर आज मुसलमान, है ना। तो अब देखिए
अगर आप लोग इस गलत फहमी में कि हमें सिर्फ 50 लाख ही दर्ज कराने हैं अपने मेल, तो ये आप सबसे बड़ी गलत फहमी में इस वक्त चीर हैं। जितने हो सकते हैं आपके अहल वयाल के अंदर, खानदान के अंदर जितने भी लोग हैं, सबसे सेंड कराइए, सेंड कराइए, सबसे सेंड कराइए। जॉइंट पार्लियामेंट कमेंट्री के अंदर जरूर ज्यादा से ज्यादा एहतजाज कीजिए, सीधे तौर पर आप लोगों को बता दिया गया। अच्छा, दूसरा अहम पॉइंट इसके अंदर ये बताया गया है कि आप लोगों को अपना एक लीडर चुनना है। अब वो लीडर कौन है आप लोग समझ सकते हैं, कौन आपको लिए आवाज उठा रहा है, जिसको बी टीम कहा जाता है। खैर, आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ज्यादा आप लोगों को मैं समझाऊंगा, इतना बड़ा तो मैं हूं नहीं आप लोगों के सामने, क्योंकि मुझे बहुत बुजुर्ग बुजुर्ग लोग भी देखते हैं, इसलिए जो जितनी बात है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। बाकी आप लोग मेरी बात से कितना सहमत है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।